हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ही ठीक, एकदम सुरक्षित अपने घर में होंगे आप सब लोग। प्लीज़ घर पे ही रहना। बाय द वे, मैं एकदम अच्छी हूँ अभी फ़िलहाल, बट मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि मेरे घर पर सब कोविड पॉजिटिव है कोटा में, और मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं, वो डायबिटिक पेशेंट भी हैं, और अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है थैंक्स टू गॉड। बट 2 दिन पहले जो सिचुएशन थी, बिलीव मी, वो बहुत ज़्यादा टेंस करने वाली सिचुएशन थी, और मैं नहीं चाहती कि आप से कोई भी कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसे। तो प्लीज़ घर पे रहना, अपना ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना। तो इन सब से बढ़ते हैं अभी फ़िलहाल आगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर ₹20,000, वो भी आप लोगों की प्रायोरिटी के हिसाब से। मतलब सबके अलग अलग प्रेफरेंस होती है, आप सभी को पता है फ़ोन्स लेते वक्त। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर 5 स्मार्टफोन बताने वाली हूँ। नंबरिंग वाइज नहीं चलेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे कौन सा फ़ोन कौन लोग परचेस कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो अभी इस लिस्ट में जो सबसे पहला स्मार्टफोन है, ये आई बिलीव उन लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पे होना चाहिए जिनकी भी प्रायोरिटी होती है कि मुझे फ़ोन के अंदर बहुत ही हाई ग्राफिक गेम खेलना है और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे चाहिए। या फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही स्मार्टफोन चाहिए, मतलब आपको मेन काम है कि भाई CPU अच्छा परफॉर्म करना चाहिए फ़ोन का, देन उस केस में मेरे अकॉर्डिंग Poco X3 Pro, जो कि अभी रिसेंटली 19,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ है, वो आपकी लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए। बिकॉज स्नैपड्रैगन 860 चिपसेट, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, वो आपको मिड रेंज में देखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस तो एकदम कड़क और धासो देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार परफॉर्मेंस अच्छी है, देन बाकी की चीज़ें भी शायद हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, देन उस केस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि फ़ोन के कैमरा से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, डिसेंट टाइप के कैमराज हैं। फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो एमोलेड नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट पैनल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये सोचो बहुत ही स्लिम ट्रिम लाइट वेट गुड लुकिंग स्मार्टफोन मिलेगा, देन उस केस में भी मैं बता दूं कि इतना कुछ खास नहीं है, Poco X3 की तरह ही ये दिखने वाला स्मार्टफोन है। तो बाकी की जगह मतलब एकदम मीडियोकर टाइप का है, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस वाइज एकदम धासु है, तो उसके हिसाब से तो डेफिनेटली जा सकते हो। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन मैं इस लिस्ट में इंक्लूड करने जा रही हूँ, ये मेनली मैंने इसलिए भी इस लिस्ट में रखा है क्योंकि आई नो काफ़ी लोगों की प्रायोरिटी आज की तारीख में है कि मुझे 5G चाहिए अपने फ़ोन के अंदर, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम के लिए फ़ोन लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, तो मुझे तो फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन चाहिए। जबकि मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि मतलब 5G के पीछे मत भागो। अगर कोई अच्छा फ़ोन है, फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं और उसके साथ आपको 5G देखने को मिल रहा है, तो आप उस फ़ोन को ले सकते हो। लेकिन 5G आपके दिमाग में सिर्फ एक कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इतना जल्दी 5G नहीं आने वाला है। तो अगेन, ये फ़ोन भी मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि इसके अंदर 5G है, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन भी है। आई मीन, मैं ये बोलूँगी कि काफ़ी बैलेंस्ड और ऑलराउंडर टाइप का ये स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का नाम है Realme X7। हाँ, MediaTek Dimensity 800U चिपसेट है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। यहाँ पर AMOLED पैनल देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। हाँ, हायर रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही में आपको अच्छे खासे कैमराज देखने को मिल जाएंगे फ़ोन के अंदर। 64MP क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पर दिया हुआ है, और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे इस फ़ोन की लगी है वो है इस फ़ोन की इन हैंड फील। इस फ़ोन का वेट बहुत ही अच्छा, गुड लुकिंग स्मार्टफोन है, बहुत ही लाइट वेट फील होता है। तो हाँ, आप इस फ़ोन को डेफिनेटली अपनी लिस्ट में रख सकते हो अगर आपको 5G के साथ साथ एक अच्छे फीचर वाला स्मार्टफोन चाहिए तो। बट एनीवेज यार, अभी आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वीडियो पसंद आ रही है, देन क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बट खैर, अभी जो नेक्स्ट स्मार्टफोन मैं बताने जा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए खास मैंने इंक्लूड किया है जिन लोगों को अपना यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और स्पेशली मतलब काफ़ी लोग होते हैं जिनको मतलब चाहिए कि भाई, ना तो मुझे एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस चाहिए अपने फ़ोन में, ना ही मुझे कोई एड्स वाली सिचुएशन चाहिए फ़ोन के अंदर, मेरे को एकदम क्लीन नीट फ़ोन चाहिए, देन उस केस में आई गेस स्टॉक एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन सबसे बेस्ट रहते हैं। और यहाँ पर जो स्टॉक एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन आपको 20,000 के अंदर मिलेगा, वो है Moto G60, और 18,000 की प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुआ है। मतलब आपको अगर ऐसे 20,000 की प्राइस भी नहीं टच करनी है, देन 18,000 में बहुत ही अच्छे पैकेज ये फ़ोन ऑफर कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो, बिकॉज स्टॉक एंड्रॉय
इट विद स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट। काफ़ी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर है, तो गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हो देन बहुत ही क्लासिक परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। फ़ोन के अंदर बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमराज है, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जिससे अमेजिंग सेल्फीज आप कैप्चर कर सकते हो। आई मीन मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज पर्सनली मैंने इस फ़ोन को टेस्ट किया हुआ है, इसका एक वीडियो भी मैंने बना दिया है। एंड बाय द वे इस पूरी लिस्ट में से जितने भी स्मार्टफोन मैंने यूज़ कर रहे हैं सबका मतलब आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि रियल X7 या फिर ये हो गया, तो हाँ आप उनको भी जाके देख सकते हो इंडिविजुअली। लेकिन हाँ फोन के कैमराज अच्छे हैं, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको IPS LCD पैनल ही देखने को मिलेगा। तो एमोलेड डिस्प्ले भी अगर कंसिडरेशन में है देन मेरे अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा मतलब डाइसी हो सकते हो इस फोन को लेके, लेकिन हाँ एमोलेड डिस्प्ले है तो मैंने और भी फ़ोन आपको बताया पूरी लिस्ट में से। बाकी एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर इस फ़ोन में थोड़ा सा मतलब खटकी है काइंड ऑफ, वो है कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैवी है, 222 ग्राम इस फ़ोन का वेट निकल गया है, और साथ ही साथ मतलब फ़ोन अच्छा खासा थिक भी है। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि मुझे चाहिए होता है कि यार मेरे लिए ना इन हैंड फील अच्छी होनी चाहिए, फ़ोन थोड़ा स्लिम होना चाहिए, तो उस तरह का ये स्मार्टफोन बेसिकली नहीं है। लेकिन हाँ स्टॉक एंड्रॉयड अगर आपकी प्रायोरिटी है या फिर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छे कैमराज चाहिए, देन डेफिनेटली आपकी लिस्ट में ये स्मार्टफोन होना ही होना चाहिए। बाकी अभी जो अगले स्मार्टफोन मैं आपको बताने जा रही हूँ ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनको मतलब एकदम ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, हर एक चीज़ फ़ोन में बैलेंस्ड काफ़ी परफेक्शन के साथ होनी चाहिए। अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हो देन मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। हर एक चीज़ को, हर एक फीचर फ़ोन की प्राइस को बिल्कुल 100% तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। फ़ोन का नाम है Redmi Note 10 Pro Max। आई एम श्योर आप सभी लोगों को इस फ़ोन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा, बिकॉज बहुत ही फेमस, बहुत ही हाइप्ड स्मार्टफोन ये रहा है और अभी भी है, मतलब चल रहा है फ़ोन। तो यहाँ पर मतलब आपको डिस्प्ले बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी, बिकॉज एमोलेड पैनल यहाँ पर दिया हुआ है। फ़ोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा एमोलेड पैनल के साथ, जो इस प्राइस रेंज में आई मीन इस पूरी लिस्ट में से शायद यही फ़ोन है जहाँ पर एमोलेड पैनल के साथ इतना अच्छा रिफ्रेश रेट भी दिया जा रहा है। 108 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा सेटअप दिए गए हैं फ़ोन के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। फ़ोन की इन हैंड फील, फ़ोन के लुक्स ग्लास बिल्ड के साथ आता है, और ये ग्लास बिल्ड भी इस पूरी लिस्ट में से सिर्फ और सिर्फ इसी फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल रही है। और ग्लास बिल्ड होने के बावजूद भी हैवी नहीं है स्मार्टफोन, काफ़ी लाइट वेट भी है यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि हाँ बहुत ही बैलेंस तरीके से बनाया गया, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को आराम से अपनी लिस्ट में रख सकते हो। लेकिन इसी के साथ मैं फिफ्थ फ़ोन भी यहाँ पर इंक्लूड करूँगी, और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि Redmi Note 10 Pro Max की जगह अगर आपको Redmi Note 10 Pro मिल पाता है 16,000 की प्राइस में, बेसिकली वो फ़ोन लॉन्च हुआ है लेकिन 16,000 वाला वेरिएंट तो डेफिनेटली इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, 17,000 वाला ही है, लेकिन अगर वो मिल पाता है देन ट्राई करना कि आप उसको कंसिडर करो, बिकॉज ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, मैक्स की तरह ही Redmi Note 10 Pro भी है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो है कैमरा सेटअप का, 108 की जगह 64 मिल जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने और स्टिल अगर आपको परफॉर्मेंस वैसी ही चाहिए जैसे Redmi Note 10 Pro Max में मिल रही है, वही प्रोसेसर अगर आपको चाहिए, स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट, वही सारी चीज़ें चाहिए, देन आप Redmi Note 10 Pro को भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन Redmi Note 10 Pro Max और Redmi Note 10 Pro ऐसे तो काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन हैं, लेकिन यार देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब पूरा परफेक्शन के साथ नहीं की जाती और हर फ़ोन परफेक्ट नहीं होता। इसी तरह से दोनों फ़ोन में भी आप कुछ जो थोड़ी बहुत कहीं पर चीज़ें खटक सकती है वो होगी फ़ोन के UI को लेके, बिकॉज MIUI में जनरली मतलब अपडेट्स के आने के बाद थोड़े बग्स देखने को मिल जाते हैं, या फिर इन जनरल भी आपको UI थोड़ा सा बगी फील हो सकता है। तो ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, अगर ये चीज़ मैटर करती है देन तो मैंने आपको बता ही दिया Moto G60 है, लेकिन नहीं मैटर करती है UI के साथ काम चला लोगे देन मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सही स्मार्टफोन है, ये दोनों भी आपकी लिस्ट में डेफिनेटली रहना चाहिए। बाकी तो यार देखो यही थे मेरी तरफ से 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स। मैंने ट्राई किया है कि हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको कोई ना कोई फ़ोन रिकमेंड करूं जो अच्छा हो, वैल्यू फॉर मनी हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी तो यार मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।